हाँ जी, तो आज की वीडियो जो है ना थोड़ी अंग्रेजी में हो जानी है, क्योंकि इसे ज़ाहिर है उर्दू शुर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, तो बोलनी तो पढ़नी है। जितनी टूटी फूटी मुझे आती है वो तो मैं गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी गुजारा कर ले। हाँ जी यार, तो क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? आज है इतवार का दिन और 13 तारीख है। मैं अभी बाहर निकला हूँ, मौसम बड़ा फिट है लेकिन हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी ठंड है। आज मेरा प्लान है, एक दोस्त है, तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं उससे मुलाकात हुई है, पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन मैं इन्हें वायरल आपको दिखाता हूँ कि वो किधर से है। तो ये आज प्लान है और कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके बाद देखते हैं किधर जाना है, थोड़ा घूमे छूमेंगे इधर उधर, और उसके बाद मैंने एक शॉप पे जाना है चीज़ें ले के, तो फिर वापसी घर। हाँ जी, तो पिछला जो पूरा हफ्ता है वो ईस्टर हॉलीडेज़ थी इधर, तो उसमें जो है ना छुट्टियां होती हैं पूरे नॉर्वे में। आज ये लास्ट डे है, संडे है, तो आज चर्चों वगैरह पे काफ़ी रश है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि नॉर्वे में जो है ना वो किंडरगार्टन और जो होते हैं वो 5वीं क्लास तक जो स्कूल हैं वो खुलने लगे हैं। हालात जो है ना अभी नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। नॉर्वे ने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया अभी कोरोना वायरस पे, तो हालात जो है ना काफ़ी बेहतर हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लोग भी काफ़ी जो है ना बाहर निकले हैं, तो इस तरह का डर अभी जो है ना ख़त्म होना लोगों में स्टार्ट हो गया है, तो इंशाल्लाह 1-2 महीने में ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। ये देखें अभी जो है ना होटल वगैरह भी जो है ना खुलना स्टार्ट हो गए हैं, ये कुर्सियाँ बाहर पड़ी हुई हैं, ये बहुत सारा अभी जो लॉकडाउन का की वो सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई है। ये चेक करें माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त जो है ना। मैंने असल में रुकना भी इधर ही है, क्योंकि मैंने टाइम भी जो है ना उसे इधर का ही दिया हुआ है, ये वही चर्च है और इधर ही मैं बैठूंगा, धूप बड़ी ज़बरदस्त निकली हुई है, उसे मैंने कहा था इधर ही आ जाए। अभी देखते हैं, आते हैं तो गपशप करते हैं, थोड़ी देर गपशप करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या किधर जाना है, क्या करना है। Good to see you, man. I'm good. Wow, long time no see. Long time no see. Me too. We don't respect this social distancing. We both are healthy. So. Yeah. How are you? How's everything? I'm just filming. Yeah. My daily life. I was also filming. अंडरटेकर इज़ कमिंग। हाँ जी, तो आज की वीडियो जो है ना थोड़ी अंग्रेजी में हो जानी है, क्योंकि इसे ज़ाहिर है उर्दू शुर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, तो बोलनी तो पढ़नी है, जितनी टूटी फूटी मुझे आती है वो तो मैं गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी गुजारा कर ले। सो सम वी वांट टू हैव सम कॉफी? Yeah, I want to have some coffee, you know. It's yeah, good. Let's go then. Yeah. Pakistan. Means 2 meters. Yeah. But I think since you're a doctor, you know. Yeah. You know what is going on, and I. But you know, in our culture, you don't give a fuck. So, Samuel, tell about yourself. Yeah, I'm Samuel from Ethiopia. I'm a student here. And this is my friend, Dr. Vasim. And yeah. We're together here. We're having fun now during Corona time.
Just look at these houses. क्या व्यू है यार इनका, कमाल है। So, Mr. Samuel, yes. I have actually 2-3 questions about Pakistan. Please ask. May I? Yes. Yeah. So, when you hear about Pakistan, what comes first in your mind? Hospitality is the number one thing that comes into my mind. The Pakistani people are so nice, so welcoming, so friendly. And that's my honest opinion about Pakistan. Oh, that's nice. Yeah. Yeah. So the second question is, in future, do you have plans to go to Pakistan? Believe it or not, it's in my priority list to visit Pakistan. We always talk with friends about going to Pakistan and to visit that beautiful country. And one of the things that I always watch and be inspired at is this travel blogger, Drew Viniski. Mm-hmm. He said a lot of good things about Pakistan, and he really ignites some interest in us to visit that place. Yeah, I swear you will love it. Yeah, and that's what I'm expecting. I'm inviting you whenever you want, just let me know. I will arrange the rest of things. Thank you very much. I will. Yeah. And what do you think about Pakistani food? Oh, the Pakistani food, yeah. It's very nice, you know. Kia, our friend, he used to live here in Kristiansand. He's now in Oslo. He's the one who showed us this Pakistani food, and then I have got a chance to experience this Pakistani food in Germany as well. Yeah. I went to the Pakistani restaurant and I enjoyed it very much. Mm. And they are very famous with their lamb. Yeah. Yeah. And the last question is, yeah.
Your message to Pakistani people. Oh, Pakistani people, you've been misrepresented on media, which is very unfortunate, but the reality is very different. Some brave travel bloggers are showing us this, and we're happy to know that you guys are very much different from what the media says about you. That's my message. Yeah, okay, sir. Thank you so much for your message and a lot of love. Thank you very much, and love from Ethiopia to Pakistani people. Yeah, thank you so much. Yeah. और अभी आप लोगों ने देखा है कि इसका मैंने इसे कोई जो है ना प्री प्लान नहीं था किया कि मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं. मैंने डायरेक्टली सवाल एक दो जो है ना पूछे हैं इससे और इसका ऑनेस्ट ओपिनियन जो है ना मैंने पूछा है. मैं एक दो वीडियो और लेके आऊँगा और लोगों के लिए और नेशनलिटी हूँ वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करूँगा. ये जी 360 व्यू. सैमुअल say something about this video. Agar video achhi lagi to subscribe karo. Shukriya. subscribe shukriya. Shukriya. Just look at this place. What does this thing say? Varsagut. They are Varsagu. You can take it. Varsagu means Vayantil Christus. Oh. I think this is for like to attract people toward Christianity. Yeah, yeah. Yeah. But this is a good way to you know to give away. Yeah. Instead of like using force and to push people into religion, this is a free way to do this. Yeah. Everyone who is interested in it. Whoever want to take it, just go and do it. Look at these beautiful places. Inshallah, इस तरह का कर लेने. Wow. Samuel, just imagine you are sitting up on the balcony and having beer and. Wow, it's really beautiful. It's magical, you know. So what can you say about this beautiful place? It's for damn rich people, you know, sitting here. Yeah, of course. Looking at this beautiful. Sight, yeah, and then enjoy. Yeah, this is so special place. Very good. Oh my God. हाँ जी, आप तो क्या हाल चाल है. वीडियो अभी इधर ही ख़त्म करते हैं और दोस्त भी घर चला गया. मैंने फिर उसकी शॉपिंग की है. मैं शॉप पे गया था, शॉपिंग की है, उसके बाद जो है ना मैं भी घर आ गया हूँ. तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना. सब्सक्राइब का तो उसने कह भी दिया हुआ है आपको, अब तो कर लेना. तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह. तब तक के लिए